जी दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है अरुप कैन रो 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स। ही कैन ऑल्सो रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। एस इज इक्वल टू बी टी वाला जो फॉर्मूला है वहाँ से, तो हम यहाँ पे क्योंकि दोनों में सेम टाइम लग रहा है तो इक्वेशन बना के फिर इक्वेट करने में एक ही बार में हम इक्वेट कर देंगे, ओके। और डाउन स्ट्रीम को हम सिंपली डाउन स्ट्रीम मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे बोट और स्ट्रीम का अलग अलग से वैल्यू निकालने की बारे में कुछ नहीं बोला है और उसकी जरूरत भी नहीं है, ओके। तो 33 अपॉन में डाउन स्ट्रीम प्लस 35 अपॉन में अप स्ट्रीम, ये डी और यू जो है वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड मान लिया गया है, ओके। प्लस 28 बाई यू, देखो अगर D को इधर ले जाएंगे तो 11 अपॉन में D, और इसको इधर ले जाएंगे तो 7 अपॉन में U। अब यहाँ पे आप देखो ये जो D हो जाएगा ना डाउन स्ट्रीम का स्पीड, वो ये वाला ही वैल्यू हो जाएगा यानी कि 11, और अपस्ट्रीम का स्पीड अपस्ट्रीम 7 यानी कि ये वाला वैल्यू, ठीक है। और एक कहाँ गया 7। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना लगेगा, 11 55 में जाने में कितना लगेगा 5 घंटा, और अपस्ट्रीम का निकला 7 14 जाने में लग जाएगा 2 घंटा, यानी कि 7 हमारा हो जाएगा आंसर, ओके थैंक यू। अरे मिट रहा है भाई, 7 आंसर हो जाएगा, थैंक यू। और मैं ऐसे ही हार्ड हार्ड जो भी मैथ है उसका कॉन्सेप्ट मैं शॉर्ट्स वीडियोस में लाता रहता हूँ, 1 या 2 मिनट में, शॉर्ट वीडियो में नहीं हो पाता क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट 1 मिनट में बताना थोड़ा मुश्किल होता है, ओके। तो आप ऐसे ही वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि ऐसे ही जो हार्ड हार्ड मैथ है उसका मैं जो सोल्यूशन लेकर आता हूँ बेस्ट मेथड से उसको आप देख पाए। थैंक यू सो मच।